उधर अपना पंजाब पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की पंजवीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट विच पार्टी ने 14 उम्मीदवार मैदान च उतारे ने। कांग्रेस, अकाली बीजेपी और आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चोणां च बहुमत दे दावे कर रहे हैं। इस विचाले अपना पंजाब पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पंजवीं लिस्ट जारी कर दी है, जिस विच 14 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की मनीए तो सूबे की जनता के लिए अपना पंजाब पार्टी ही सब तो बेहतर है। वो दूजी पार्टियां ते मिली भुगत का इल्जाम लगा रहे हैं। पंजाब बचना तो है जे अपना पंजाब पार्टी के लोगों लोग वोटा पाउंगे। लोग कई बार कहें जी छोटेपुर जी इन्ने बंदे खलो गए तो वोटा वंडिया जाएगी, तो मैं क्या तुम वंडिया ना जान दो, तुम साड़ी पार्टी वोटा पाओ, असं तुम मायूस नहीं करा, असं तो हकों की राखी करा, वास्ते चाहे सू जान की बाजी भी लानी पवे। सुच्चा सिंह छोटेपुर कपूरथला विच केजरीवाल नूं निशाने ते लेना नहीं भुले। लगे हाथ केजरीवाल नूं झूठा करार दिंदे होए सियासत दे मामले विच नसीहत दे दित्ती। मैं बिल्कुल वो झूठ दा पलंदा है, हजारां करोड़ रुपया ने बाहरों लोगों को बाहर दे कंट्री चो लिया। जे फकर वेखना संत लौंगोवाल का घर देख के आए, जिन्होंने सियासत विच दीवानी नहीं बनाई, वो पांच पांच वारी एमपी भी बने, उन्होंने घर आम तुहाडे सधारण लोगों के घर वर्गे आ। ते केजरीवाल ते उहदे जहाजां ते आउंदा है, ब्रांडेड कपड़े पाउंदा है, वड्डे वड्डे होटलों च रहिंदा, तो वधिया वधिया खाने खाँदा, तो वो कोई फकर है? फकर वो हुंदा जिहड़ा हाथे रोटी खाने वाला। सुच्चा सिंह छोटेपुर पुलाथलके तो पार्टी उम्मीदवार गुरविंदर सिंह साही दे पक्ष प्रचार करन पहुंचे सन। संदीप ओबराय, जी मीडिया, कपूरथला।